जय बाबा बर्फानी जी, भूखे को अन्न और प्यासे को पानी। बाबा जी के सभी प्यारे भक्तों को ओम नमः शिवाय। आज की जो वीडियो का टॉपिक है, जो हमारे पिछले एक्सपीरियंस रहे हैं यात्राओं के, उसमें ये है कि जैसे रात को काफ़ी यात्री सोते हैं, तो सोते समय किन किन बातों का ध्यान रखें, तो जो परेशानी और यात्रियों को ही आपको ना हो, तो उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि कुछ लोग रात को सोते हैं तो जैसे ठंड के मारे किसी का गला बैठ गया, तो काली मिर्ची या लौंग मुँह में डाल लिया, उसको मुँह में डाल डाल नींद आ गई, तो रात को सांस लेते से आपके गले में फंस सकता है और आपके लिए परेशानी हो सकती है। दूसरी प्रॉब्लम यह है कि रात को जब टेंट में सोते हैं, तो आप जिस टाइम सो रहे हैं उस टाइम तो मौसम ठीक है, मैं बात कर रहा हूँ शेषनाग की। शेषनाग में सबसे ज़्यादा ठंड होती है, और गुफा पे, बाबा जी की गुफा पे सबसे ज़्यादा ठंड होती है और शेषनाग में। तो रात को जब सो रहे हैं उस टाइम तो आपको इतनी ठंड नहीं लगेगी, लेकिन रात को 2, 2:30 बजे, 3 बजे आपको बहुत ज़्यादा ठंड लगेगी, क्योंकि आप चल के आए होंगे, बॉडी में ब्लड गर्म होगा, तो आप उस टाइम सो जाएंगे, कोई पता नहीं लगेगा, लेकिन रात को ठंड लगेगी। तो आप जुराब वगैरह, अपनी मंकी कैप, टोपी, ग्लव्स पहन के सोएं आराम से, और अपने सिर को लपेट के सोएं ताकि आपको हवा ना लगे, क्योंकि जितना आपकी बॉडी गर्म रहेगी उतनी आपको अच्छी नींद आएगी, तो सुबह आप यात्रा के लिए चल पाएंगे। हमारे साथ तो कई बार ऐसा हुआ है कि ये ध्यान नहीं दिया चीज़ों का, पूरी रात कपकपी में निकाल दी और सुबह उठ के यात्रा भी करनी है, तो काफ़ी परेशानी होती है। अगर आप रात को ढंग से नहीं सो पाएंगे तो अगले दिन आप ढंग से यात्रा नहीं कर पाएंगे। मेरे साथ भी 2-3 बार ही ऐसा हुआ है, इसलिए मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ चीज़ें। दूसरी बात है, अगर किसी को बहुत ज़्यादा ठंड लगती है, तो सोने से पहले ही जब सिस्टम आप टेंट करते हैं, आप टेंट वाले से बात करके 100-200 रुपये एक्स्ट्रा देके अलग से रजाई ले सकते हैं, उससे आपको बेनिफिट हो जाएगा। दूसरा सबसे बड़ी बात है कि टेंटों का एक टाइम होता है लाइट बंद होने का, तो 9 बजे 8 बजे 7-8 बजे टेंटों की लाइट बंद कर देते हैं टेंट वाले, क्योंकि वहाँ कोई वैसी सप्लाई तो है नहीं, जनरेटर चलते हैं, अब जनरेटर पूरा चलाएंगे नहीं, जब तक भक्त अपने अपने टेंट में घुस जाते हैं सारे, लंगर वंगर खा के आते हैं, उसके बाद वो 8-9 बजे लाइट बंद कर देते हैं। तो बंद करने के बाद कई यात्री फिर भी मोमबत्ती जला लेते हैं, साथ में लेके जाते हैं, तो इस बात का विशेष ध्यान रखें। ऐसा ना सोचें कि मोमबत्ती वो बंद करेगा या कोई और बंद करने आएगा, आप सो गए अचानक से और मोमबत्ती जलती रहेगी तो आग लगने का खतरा है। तो बहुत ही ज़रूरी पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इस बात का विशेष ध्यान रखें, एक दूसरे पर ना डालें, एक टेंट में बंदे को रिस्पॉन्सिबल बना दें कि मोमबत्ती भैया आपने बुझानी है या ये सामान है या आपने देखा है। रात को सोते समय अपने टेंट को बंद करें, जहाँ से आप अंदर बाहर जाते हैं वहाँ पे रस्सी लगी होती है टेंट में, उसे पूरा रस्सी से क्रॉस क्रॉस करके बंद कर दें, ताकि पता चला सारे सो गए और टेंट खुला रह गया, रात को हवा चल रही है, सबको ठंड लग रही है टेंट के अंदर, तो रात को उठ के भी बंद नहीं करेगा, सबकी नींद खराब होगी, तो ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक बंदे को दे दें। जो आपके शूज़ हैं, जूते हैं, वो मैक्सिमम लोग टेंट के बाहर रखते हैं, लेकिन मौसम कभी भी ख़राब होने से बारिश हुई तो आपके जूते टेंट के बाद भीग सकते हैं, इसलिए कोशिश करें कि टेंट में एक साइड में रजाई गद्दों पे नहीं, टेंट के अंदर जैसे रजाई गद्दे बिछे हुए उनके नीचे सबके जूते एक साइड में लगा दें, ताकि बारिश भी हो तो आपके जूते भीगे ना। इस बात का विशेष ध्यान रखें रात को सोने से पहले कि टेंट कहीं से खुला ना हो, और आपका पूरा सामान अंदर आके एक बंदा जो भी आपका लीडर है उस बात का विशेष ध्यान रखे कि सारे बंदे आ गए हैं, टेंट बंद करके सो जाएं। एक बहुत ही ज़रूरी बात है, वो ये है कि हर किसी की बॉडी ऐसी नहीं होती है, अगर रात को आपके साथ यात्री सो रहे हैं और किसी को रात को वॉशरूम आ गई, तो ऐसा तो है नहीं कि पूरा वो वॉशरूम रोक के रखेगा, तो ये जाना पड़ेगा। तो आप विशेष ध्यान विशेष रूप से अपने सभी यात्रियों को बता दें कि रात को किसी को वॉशरूम आए तो कम से कम एक यात्री को साथ लेके जाए, और टेंट में रुके हुए एक यात्री को बता के जाए कि हम दोनों वॉशरूम जा रहे हैं, क्योंकि अंधेरे में आप रास्ता भटक सकते हैं, अकेले आप जाएंगे, कहीं गिर गए, फिसल गए, तो किसी को भी पता नहीं चलेगा, सब सोते रहेंगे और आपको परेशानी हो सकती है। इसलिए अगर आप जा रहे हैं तो अकेले ना जाएं, किसी को साथ लेके जाएं, और टेंट में जो यात्री हैं उन्हें बता के जाएं कि हम वॉशरूम जा रहे हैं, हम वापस आ रहे हैं अभी। तो ये बहुत ही ज़रूरी पॉइंट है, क्योंकि हमारे साथ हो चुका है, एक आंटी जी निकली थी बाहर, और रात को बाहर जाके उन्होंने सोचा क्यों किसी को परेशान करूँ मैं अकेले जाके वॉशरूम कराऊँगी, पास में है, और बाहर हल्की हल्की बारिश हो रही थी, वहीं फिसल के काफ़ी तेज गिर गई थी, तो फिर एक को नहीं सभी को उठना पड़ा था, उनको अंदर लेके आए, उनके कपड़े वपड़े गंदे हो गए, कपड़े चेंज कराए, तो उनको चोट भी लगी, तो इसलिए इस बात का विशेष ध्यान रखें। ऐसे ही मेरे पास काफ़ी सारे अनुभव हैं जो मैं चाहता हूँ आप सब लोगों के साथ शेयर कर लूँ, क्योंकि जो हमारे अमरनाथ जी यात्रा के यात्री हैं, काफ़ी सारी कन्फ्यूज़न है, हर बंदा तो यात्रा करता नहीं है और ना हर बंदा बता पाता है हर तरह से, तो जो भी मेरे अनुभव हैं मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ये बाकी आपके काम आएंगे। आपके मन में किसी भी प्रकार का सवाल हो, किसी भी प्रकार का, आप पूछ सकते हैं। श्री अमरनाथ जी यात्रा से जुड़ी किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए आप हमारे नंबर पर मैसेज या कॉल कर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। भोले बाबा जी के आशीर्वाद से हमारी ये कोशिश रहेगी कि सही जानकारी और जल्द से जल्द आप तक पहुंचाई जाए। बाबा जी के सभी प्यारे भक्तों को ओम नमः शिवाय।